अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। आई सी निस्पास वीडियो में आज हम बनाने जा रहे हैं रबड़ी फालूदा लजीजा के पैकेट से, जिसके लिए सबसे पहले मैंने हैप्पी उम की जेली का पैकेट ले लिया था। रसबेरी फ्लेवर में ये जेली ली थी। इसे एक कप पानी बॉयल करने रखा, उसमें मिक्स किया और इसे सेट करने के लिए हमने छोड़ दिया। अब हमने एक लीटर दूध ले लिया, उसे उबलने के लिए छोड़ दिया है। साथ में लजीजा का पैकेट ले लिया है फालूदा का। ठीक है जी, ये रबड़ी फालूदा है। जैसे ही दूध बॉयल होगा हम इसमें अपना रबड़ी फालूदा ऐड कर देंगे और चम्मच चलाते जाएंगे। थोड़ा सा मैंने ऐड किया है हाफ, ठीक है, हाफ ऐड करके मैंने चम्मच चला लिया। ठीक है, इसके बाद मैं हाफ और ऐड कर दूंगी और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब हमने क्या करना है, हमने इसको तब तक पकाना है जब तक ये गाढ़ा ना हो जाए। ठीक है, अब आपको जितना गाढ़ा पसंद हो आपने उतना गाढ़ा इसको कर लेना है। एक तरफ हमारी जो जेली है वो सेट हो गई थी, तो मैं उसको पीसेस करके जो है वो रख रही हूँ। ठीक है, कितनी अच्छी सी ये सेट हो गई, बहुत प्यारे से इसके पीसेस निकले थे। ठीक है, तो जब भी आप कोई जेली बनाएं तो जो क्वांटिटी आपके पैकेट में पानी की लिखी हो उसे थोड़ा कम ऐड किया कीजिए, अच्छी सी सेट होती है। ठीक है, अब आपने क्या करना है, आपने जो मिल्क में रबड़ी फालूदा ऐड किया था उसको पकाना है। इतना पकाना है, चम्मच चलाते जाना है, इतना पकाना है कि ये इस तरह से गाढ़ा हो जाए। ठीक है, मैंने ये इतना थिक रखा था, आपकी मर्जी है आपको जितना भी थिक रखना हो। फिर मैंने इसे एक प्याले कप में डाल लिया था। ठीक है, इसके बाद मैं इसमें जेली ऐड कर रही हूँ। साथ में मैंने ये क्रंच आलमंड कुल्फ़ी ले ली थी, आप शाही कुल्फ़ा भी ऐड कर सकते हैं। मैंने कुल्फ़ी ये स्लाइसेस करके ऐड किए थे, बहुत मज़ेदार रेडी हुआ था। ट्राई ज़रूर करना है आपने और फीडबैक मुझे ज़रूर दीजिएगा कि आपको ये रबड़ी फालूदा कैसा लगा। आपने मेरी आइसक्रीम फालूदा की होममेड रेसिपी नहीं देखी जिसमें मैंने सेवैयाँ भी होममेड बनाई हैं, तो आप मेरे ऊपर लिंक दे रही हूँ, चैनल पर जाके देख सकते हैं। मिलेंगे नई वीडियो में, दुआओं में याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।